दिन भर के प्रायोजक हैं होटल फाइव सेंसेस, एके टेंट एंड केटरर। साई प्रणाम, सिटीवन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ देकर व्रती महिलाओं ने बच्चों की दीर्घायु व परिवार की मंगल कामना के साथ पूर्ण किया छठ व्रत। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के अवसर पर मंडलायुक्त ने उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर किया नमन। कैंट, खोराबार व एसओजी एक संयुक्त टीम ने अंतरजनपदीय गैंग के 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट के 4,08,000 रुपए व घटना में प्रयुक्त 2 वैगनआर कार किया बरामद। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर एडीएम वित्त के नेतृत्व में उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर किया गया नमन, दिलाई गई शपथ। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 38वीं शहादत दिवस पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर किया नमन। शाहपुर थाने की पुलिस ने डिप्लोमा इन फार्मेसी का फर्जी सर्टिफिकेट देने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का हुआ आयोजन। जेल प्रशासन ने किया इंतजाम, जेल में बंद महिला कैदियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर मनाया छठ पर्व। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर रन फॉर यूनिटी का पुलिस अधीक्षक यातायात ने किया शुभारंभ। एडीएम वित्त ने दी जानकारी, कहा ड्राफ्ट मतदाता सूची हुई प्रकाशित, ऑनलाइन पर भी देख सकते हैं अपना नाम। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राजकीय बौद्ध संग्रहालय में सरदार पटेल एकीकरण के शिल्पी विषयक छायाचित्र प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर्व पर व्रती महिलाओं ने भगवान भास्कर को अर्घ देकर सूर्य देव की आराधना की और इसके साथ ही 4 दिवसीय छठ पूजा महापर्व सम्पन्न हुआ। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं ने जलाशय व नदी के किनारे स्थित छठ घाटों पर सूर्योदित होने की प्रार्थना की। सूर्योदय होने के साथ ही अर्घ देना शुरू कर दिया। वहीं सूर्य देवता को नमन करते हुए श्रद्धालुओं और व्रती महिलाओं ने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु प्रार्थना की। बता दें कि 2 दिनों तक निर्जल व्रत रखकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठी मैया की उपासना की जाती है। यह व्रत बच्चों की दीर्घायु व परिवार की मंगल कामना के साथ ही पूरा हो जाता है। शहर के विभिन्न घाटों पर यह नज़ारा आम होता है और परिवार के साथ लोग बड़ी संख्या में घाटों पर पहुँचते हैं। Thank you.
अरे पहले रह दो यार लिखा है। अरे कहाँ जा रहा हूँ, गिर जाओगे, गिर जाओगे। हंसो नहीं भाई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए व्रति महिलाओं ने बताया। आज का छठ का पर्व है, सुबह में मनाया जाता है भोर में, और सुबह के लिए होता है। मान्यता ये है छठ पूजा करने से हर मान्यता पूरी होती है, बच्चे होते हैं और फिर पति की उम्र लंबी होती है। अपनी अपनी आस्था से लोग व्रत करते हैं। हाँ ये तो है, बाढ़ तो आया है, इसीलिए सब लोग अपने अपने घर पे व्यवस्था करके छठ मनाया जा रहा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी द्वारा अपने कार्यालय पर उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया। साथ ही एकता दिवस पर आयुक्त कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों व अधिकारियों को देश की एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में आयुक्त कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भरसक प्रयत्न करूंगा।
मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्य द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए अपर आयुक्त न्यायिक हरिओम शर्मा ने बताया, लोग माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो देश की एकता और अखंडता के लिए जो उनका योगदान था, हम सभी ने आज उसको याद किया और इस बात की शपथ ली कि हम उनका अनुकरण करेंगे, देश की अखंड एकता और अखंडता को अक्षुण बनाए रखने के लिए अपना भरसक योगदान देंगे, यही हम लोग शपथ लिए हैं और यही प्रयास करें। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने हेतु वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अंतर जनपदीय गैंग के 4 छात्र लुटेरों को कैंट खुराबार व एसओजी टीम के संयुक्त प्रयास से गिरफ्तार किया गया। वहीं इनके पास से लूट के 4,08,000 रुपए व घटना में प्रयुक्त 2 वैगनआर कार भी बरामद की गई है। बता दें कि पिछले दिनों खुराबार थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसको लेकर जनपद पुलिस सीसीटीवी की मदद से कार्रवाई में जुटी थी। यह गैंग पूर्वी बिहार चंपारण से आकर रेलवे स्टेशन और रोडवेज गोरखपुर के पास सुबह में सवारियों की तलाश करता था। गैंग के सदस्य ऐसे व्यक्ति जो अकेले हों और बाहर से आते हों और उन्हें लगता हो कि उनके पास पैसा आसानी से मिल जाएगा और जो कुशीनगर पटौना गोपालगंज तक जाएंगे, उसको गैंग के सदस्य कार में बैठा कर लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, जनपद गोरखपुर में 28 तारीख को मॉर्निंग में थाना खोराबार में एक घटना रिपोर्ट हुई थी, जिसमें एक 70 वर्षीय रमाकांत जायसवाल, जो कि बिहार से 6.5 लाख के आसपास का कैश ट्रेन से लेकर के आए थे, कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद कुछ लोगों ने उनको गाड़ी में बिठाया, आगे ले जाकर के उनके साथ मारपीट की और उनका ये कैश लूट लिया। घटना की जानकारी होने के उपरांत तत्काल वादी से जानकारी प्राप्त अधिकारियों द्वारा की गई, घटनास्थल का निरीक्षण सभी सीनियर अधिकारियों द्वारा किया गया। घटना के बारे में जानकारियां प्राप्त करने के लिए उनसे तहरीर प्राप्त की गई, मुकदमा पंजीकृत किया गया। सीसीटीवी के माध्यम से वादी द्वारा बताए गए अभियुक्तों के हुलिए और गाड़ी की जानकारी के आधार पर सीसीटीवी खंगाले गए, जिसके आधार पर गाड़ियां फिल्टर की गई। इसी के साथ साथ ITMS का भी इसमें सहारा लिया गया, जिसमें गाड़ी को आइडेंटिफाई करने में बहुत सहायता मिली। इसी प्रकार की घटना 26 तारीख को थाना कैंट क्षेत्र में हुई थी, जिसमें अरविंद कुमार नामक व्यक्ति जो कि कुशीनगर के रहने वाले हैं, उनके साथ भी 8,000 रुपए की लूट हुई थी। दोनों घटनाओं के घटनाक्रम को जब स्टडी किया गया तो ये सामने आया कि संभवतः ये किसी एक ही गैंग का काम है। इन्हीं सारी जानकारियों के ऊपर एक कोऑर्डिनेटेड टीम थाना कैंट, थाना खोराबार, सर्विलांस SOG और जो हमारी CCTV देखने वाली जो टीम है उनके द्वारा SP सिटी साहब और CO कैंट साहब के निर्देशन में इसको लगाया गया। इस टीम को सफलता मिली है, ये पूरा गैंग वर्कआउट हो गया है। इस पूरे गैंग के 4 मेंबर्स अरेस्ट हुए हैं इन दोनों घटनाओं में जो सम्मिलित थे, जिनके की नाम विजय महतो, मिथिलेश, सोनू कुमार और शत्रुघ्न साहनी है, जो कि पहले 3 जनपद मोतिहारी बिहार और पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से दोनों घटनाओं से संबंधित दूसरी घटना में 4 लाख रुपए और पहली घटना में 8,000 रुपए बरामद हुए हैं। इसके साथ जो 2 गाड़ियां इन घटनाओं में प्रयुक्त हुई थी वो भी बरामद हुई हैं। इनके कुछ साथी अभी भी फरार हैं, जिनके लिए लगातार पुलिस की दबिश चल रही है और बाकी जो लूट का जो अमाउंट है जो उनके पास है उसकी बरामदगी के भी प्रयास चल रहे हैं।
इन चारों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। आगे चल के इन सभी अपराधियों के ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया। वहीं एकता दिवस के अवसर पर मौजूद कलेक्ट्रेट परिसर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने देश की एकता व अखंडता बनाए रखने की शपथ भी ली। इस मौके पर एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह, एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। जय हिंद। इस संबंध में चटिवन संवाददाता से बात करते हुए वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया, आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती हम लोग यहाँ पर कलेक्ट्रेट प्रांगण में धूमधाम से मना रहे हैं। जैसा कि राज्य सरकार का निर्देश भी था, आज जनपद में जगह जगह यूनिटी रन हो रहा है, एकता दौड़ हो रही है। कुछ लोग सुबह एकता दौड़ कर चुके हैं और कुछ जगहों पर अभी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हम लोग कलेक्ट्रेट में हैं और एक शपथ ली गई है राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए। हमारा जो भी योगदान संभव है, सब लोगों को अपना अपना वो योगदान देना चाहिए, इस प्रकार की शपथ ली गई है। 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित आवास पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, जिसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी क्रम में 28वीं शहादत दिवस पर चेतना तिराहा स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया, साथ ही उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश भी डाला। इस मौके पर प्रदेश सचिव, पीसीसी सदस्य दिलीप कुमार निषाद, राजेश तिवारी, संजीव सिंह, सोनू पार्षद सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने बताया, आज भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से इस देश के ही नहीं बल्कि विश्व के आकाश को भी जो है अपने विलक्षण प्रतिभा से प्रभावित करने का काम किया। हमें गर्व है कि हम इस भारत देश के वासी हैं और जिस तरह से उन्होंने
इस भारत देश की महत्ता को, भारत देश की अस्मिता को अपने प्रधानमंत्रित्व काल में विश्व के पटल पर रखा। आज उनका शहादत दिवस है। आज हम जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में हम गोरखपुर के सभी कांग्रेसजन आज उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनको नमन किए हैं। और जिस तरह से उन्होंने इस देश को मजबूती देने का काम किया था, एकता और अखंडता में बांधने का काम किया था, उनके संकल्पों को याद किए हैं। जनपद में वरिष्ठ प्रशिक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत शाहपुर थाने की पुलिस ने डिप्लोमा इन फार्मेसी का फर्जी सर्टिफिकेट देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान बस्ती जनपद के आशीषपुरी के रूप में हुई है। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ प्रशिक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। देखिए, जनपद गोरखपुर में विगत कई दिनों से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जालसाजी कार्य करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। जो भी प्रार्थना पत्र, चाहे वो विदेश भेजने को लेकर धोखाधड़ी हो, चाहे वो नौकरी दिलाने को लेकर के धोखाधड़ी हो, या फर्जी सर्टिफिकेट बना करके शिक्षण संस्थानों में एडमिशन कराने के लिए हो, तो इसी संदर्भ में थाना शाहपुर में एक आशीषपुरी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध 441/22 धारा 420 67/68/71 व अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था। ये फर्जी डिप्लोमा और फार्मेसी का फर्जी सर्टिफिकेट बना करके देता था। जब इस सर्टिफिकेट को जहां का बना करके दिखाया गया था, वहां से वेरीफाई कराया गया, तो ये फर्जी निकला। वादी की तहरीर पर इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और इस जालसाज को अरेस्ट किया गया है। इसके इस कृत्य में और भी लोग जो सम्मिलित हैं, उनकी भी जानकारी की जा रही है और उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह, हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935908111। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष YMLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया, जिसमें टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा से कचहरी चौराहा होते हुए गणेश चौराहा, काली मंदिर चौराहा पर स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के समक्ष सम्पन्न हुआ। वहीं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष YMLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने देश की एकता और अखंडता में आज़ादी के बाद 565 से अधिक रियासतों को जोड़ करके भारत की एकता और अखंडता में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आज उनकी जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा। आज इसी क्रम में गोरखपुर महानगर के सभी कार्यकर्ता अपने महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में
यहाँ महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के पश्चात यहाँ से गोलघर काली मंदिर के पास जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है वहाँ तक ये रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है और उसी क्रम में हम यहाँ सब इकट्ठे हैं। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर्व पर जिला कारागार में 22 महिला कैदियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठ पूजा मनाई। महिला कैदियों की छठ पूजा संपन्न कराने के लिए जेल प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए थे। 22 महिला कैदियों ने इस पूजा में भाग लिया। जेल के अंदर ही कृत्रिम पोखरी का निर्माण कराकर महिला कैदियों को पूजन सामग्री भी मुहैया कराई गई थी। महिला कैदियों ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर अपने संतानों की लंबी उम्र की प्रार्थना की। इस मौके पर वरिष्ठ जेल अधीक्षक ओम प्रकाश कटिहार, डिप्टी जेलर ब्रजेश पांडे सहित अन्य कारागार कर्मी मौजूद रहे। अरे उनसे बोलिए चिल्लाए नहीं, शांत रहिए। हेड साहब कैसे शांत रहे हम तक? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाइन गोरखपुर से किया गया। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों, कर्मचारियों, खिलाड़ियों तथा पीएससी के जवानों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें लगभग 150 पुलिसकर्मी उपस्थित रहे, जिसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर एमपी सिंह द्वारा किया गया, जो पुलिस लाइन गोरखपुर से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए वापस पुलिस लाइन ग्राउंड में आकर सम्पन्न हुई। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया, आज 31/10/22 को हम लोगों ने हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए स्मरण किया पुलिस लाइन में, और उनके दिए गए सिद्धांतों पर चलने के उद्देश्य से मोटिवेशन हेतु जवानों के द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन कराया गया। रन फॉर यूनिटी के माध्यम से हमने जवानों के अंदर उनके ड्यूटी के प्रति और ज़्यादा अलर्ट रहने, उनको मोटिवेट करने और हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए जवानों को मोटिवेट किया, और इसके माध्यम से हमने जनता में भी संदेश दिया ताकि कोई भी विघटनकारी शक्तियाँ हमारे देश की तरफ आंख उठा के ना देख सकें, इसी उद्देश्य से रन फॉर यूनिटी का पुलिस लाइन में आयोजन किया गया। आगामी चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के क्रम में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन सोमवार से किया जाएगा।
इस मतदाता सूची को जिन भी प्रत्याशियों और जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता होगी वह ईडीएम वित्त के कार्यालय पर संपर्क कर ड्राफ्ट मतदाता सूची की छाया प्रति प्राप्त कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन वेबसाइट SIC UPNIC पर भी इसे देखा जा सकता है। इस संबंध में सटीवन संवाददाता से बात करते हुए ईडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया। राज्य निर्वाचन आयोग का टाइम टेबल जारी हुआ था, उसके तहत आज 31 अक्टूबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। जिन लोगों को भी मतदाता सूची की आवश्यकता होगी, आज तो कार्यालय में स्थानीय अवकाश है, आज भी संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो कल संपर्क करेंगे तो उन्हें अवश्य मतदाता सूची मिल जाएगी। आज जो ड्राफ्ट प्रकाशन हुआ है उसे सभी मतदान केंद्रों पर भेजा जा रहा है, जहाँ उसको प्रकाशित कर दिया जाएगा। मेरा अनुरोध है सभी निवासियों से कि वो मतदान केंद्र पर जाकर के अपना नाम जरूर देख लें कि उनका नाम किस मतदान केंद्र पर है। इसके अलावा वो ऑनलाइन जो हमारी वेबसाइट है SEC stateelectioncommission.up.nic.in पर भी जाकर के वो अपना नाम चेक कर सकते हैं। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राजकीय बौद्ध संग्रहालय के प्रदर्शनी हॉल में सरदार पटेल एकीकरण के शिल्पी छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कुशीनगर जनपद के बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कौस्तुभ नारायण मिश्र छायाचित्र प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलित कर फीता काट कर उन्होंने इसका शुभारंभ किया। साथ ही छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया। इस मौके पर राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उपनिदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस संबंध में चरवन संवाददाता से बात करते हुए बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कौस्तुभ नारायण मिश्र ने बताया। महापुरुष हैं, भारत के एकता पुरुष हैं, जो जन्म से भी महान थे और अपने कर्मों के द्वारा महान बने हो, उनके इनके ऊपर किसी ने महानता थोपी नहीं, लादी नहीं, और जो योगदान उनका ऊपर प्रधानमंत्री के नाते या गृह मंत्री के नाते है, शायद उससे बड़े दायित्व वाले उतनी महानता, उतनी श्रेष्ठता, उतना आदर, उतना सम्मान देश के द्वारा नहीं प्राप्त कर पाए हैं। और आज बहुत शिद्दत से जब देश नए स्वरूप में आ रहा है दुनिया के सामने, भारत का गौरव गान बढ़ रहा है, पंच प्रण की संकल्पना भारत सरकार द्वारा लाई जा रही है, ऐसे में उनकी प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। और उस प्रासंगिकता के आधार पर हम 31 अक्टूबर के दिन सरदार पटेल जी को याद करना चाहते हैं। एकता पुरुष के रूप में तो याद हम करेंगे ही, हमारे गौरव पुरुष के रूप में भी हैं वो, इसका हमको स्मरण रखना होगा। दिन भर बस इतना ही, आई नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ देकर व्रती महिलाओं ने बच्चों की दीर्घायु व परिवार की मंगल कामना के साथ पूर्ण किया छठ व्रत। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के अवसर पर मंडल आयुक्त ने उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर किया नमन। कैंट, खोराबार व SOG एक संयुक्त टीम ने अंतर जनपदीय गैंग के 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट के 4,08,000 रुपए व घटना में प्रयुक्त 2 वैगनआर कार किया बरामद। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर ईडीएम वित्त के नेतृत्व में उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर किया गया नमन, दिलाई गई शपथ।
भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 38वीं शहादत दिवस पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर किया नमन। शाहपुर थाने की पुलिस ने डिप्लोमा इन फार्मेसी का फर्जी सर्टिफिकेट देने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का हुआ आयोजन। जेल प्रशासन ने किया इंतजाम, जेल में बंद महिला कैदियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर मनाया छठ पर्व। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर रन फॉर यूनिटी का पुलिस अधीक्षक यातायात ने किया शुभारंभ। ईडीएम वित्त ने दी जानकारी, कहा ड्राफ्ट मतदाता सूची हुई प्रकाशित, ऑनलाइन पर भी देख सकते हैं अपना नाम। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राजकीय बौद्ध संग्रहालय में सरदार पटेल एकीकरण के शिल्पी विषयक छायाचित्र प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।